हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का हमारे क्लास में स्वागत है बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डील करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्यारे बच्चों केमिकल कैनेटिक्स क्लियर सारी मैंने पीडीएफ बना रखी हैं क्लियर पीपीटी उसी के माध्यम से पढ़ाऊंगा बट उससे पहले कुछ स्टार्टिंग की कुछ एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं केमिकल कैनेटिक्स इसको हिंदी में रासायनिक वल गति कहते हैं बच्चा क्या कहते हैं रासायनिक वल गति ये हमारा जो पहला लेक्चर है प्यारे बच्चों ये लेक्चर है क्लियर इसमें हम लोग डील करेंगे कि केमिकल कनेटिक्स क्या होती है लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्लियर मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो कोई भी हमारे पास रिएक्शन अगर है तो उस रिएक्शन में क्या होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं जैसे मान लो ए और बी रिएक्टेंट है और इससे हमारा क्या होना है प्रोडक्ट बनेगा क्लियर तो किसी भी रिएक्शन को कराने से पहले मेरे पास क्या क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से क्लियर तो मेरे हिसाब से जो एक बेसिक चीजें होती हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे पहला पॉइंट ये है कि जो आप रिएक्शन कराने जा रहे हैं जैसे ए और बी क्लियर ये रिएक्टेंट्स हैं क्लियर तो क्या ये दोनों रिएक्टेंट आपस में क्रिया करेंगे या नहीं करेंगे ये भी तो जानकारी होनी चाहिए आपने कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स ले लिए कि जो मान लो वो रिएक्ट नहीं हो रहे हैं तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो मेरे पास सबसे पहले डेटा ये होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट आप ले रहे हैं क्या वो रियल में आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे अर्थात रिएक्शन होगी या नहीं होगी यानी अवक्रिया अविक्रिया जिसको अंग्रेजी में रिएक्शन कहूंगा मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाऊंगा कि जो रिएक्शन है क्या वो रिएक्शन आगे हो पाएगी या नहीं होगी यानी कहने का अर्थ है क्या रिएक्शन की संभावना है होने की तो सबसे पहले ये डेटा होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं क्या वो रिएक्शन कराएंगे अर्थात हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसमें इसका अर्थ है कि हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी संभावना के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या अभिक्रिया होगी या नहीं होगी मान लो कि अगर ये रिएक्शन हो रही है ए और बी जो रिएक्टेंट हैं ये आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर ये रिएक्शन हो रही है मान लो कि ये रिएक्शन संभव है संभव है ये इसकी फिजिबिलिटी है फिजिबल है रिएक्शन क्लियर अगर ये रिएक्शन संभव है तो मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि इस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे पास दूसरी डेटा क्या होना चाहिए मेरे पास दूसरा डेटा यह होना चाहिए कि इस रिएक्शन की क्या स्पीड होगी इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा पहला पहला आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए कि क्या यह रिएक्शन होगी या नहीं होगी क्या रिएक्शन फिजिबल है या नॉन फिजिबल है दूसरा आपके पास यह डेटा होना चाहिए कि अगर रिएक्शन हो रही है यह विक्रिया अगर संभव है तो इस रिएक्शन की क्या स्पीड होगी क्लियर इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये डेटा आपके पास होना चाहिए क्या रिएक्शन स्लो होगी रिएक्शन फास्ट होगी टाइम कम लगेगा टाइम ज्यादा लगेगा ये भी आपके पास डेटा होना चाहिए तीसरी इंपॉर्टेंट तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप रिएक्शन करा रहे हैं क्लियर वो रिएक्शन में आपने जो रिएक्टेंट लिया है कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है ध्यान सुनिएगा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तुमने रिय रिएक्टेंट लिए हैं जो तुमने विकारक लिए हैं वो रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है पता चला कि रिएक्टेंट ऐसा हुआ कि कुछ देर बाद क्या हुआ कि प्रोडक्ट बनना मान लो आपने कुछ मात्रा जैसे पांच रिएक्टेंट लिए और मान लो कोई मात्रा है पाँच मोल है क्लियर तो पांच मोल रिएक्टेंट लिए और उसमें आपके दो मोल रिएक्टेंट जो थे पांच मोल रिएक्टेंट लिए तो दो आपका जो मोल है वो आपका प्रोडक्ट बन गया यानी पांच मोल रिएक्टेंट लिए उसमें से दो मोल ऐसे रिएक्टेंट हैं जिन्होंने प्रोडक्ट में वो बदल गए लेकिन तीन मोल अभी भी बचे हुए और रिएक्शन रुक गई तो इस बात को भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये रिएक्शन किस हद तक आगे एक्सटेंड करेगी ये रिएक्शन क्या फॉरवर्ड जाएगी या ये रिवर्स में आएगी यानी कहने का अर्थ है कि हमें रिएक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स क्या अभिक्रिया फॉरवर्ड चलेगी या बैकवर्ड हो जाएगी पता चला कि प्रोडक्ट दोबारा आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया तो तीसरी बात है ये कि रिएक्शन कहाँ तक एक्सटेंड करेगी कहाँ तक रन करेगी ऐसा तो नहीं है कि कुछ देर बाद रिएक्शन चले और कुछ देर बाद वो रिएक्शन स्टॉप हो जाए क्लियर तो ये जो तीन बातें हमने बोली इसके लिए हमारे लिए तीन अलग अलग कह सकते हैं थ्यूरी तीन अलग अलग, अलग प्रिंसिपल हैं जो हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं तो अब आप लोग यहां से देखिएगा क्लियर तो लिखा कि आओ कुछ जाने केमिकल कैनेटिक्स अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि अगर रिएक्शन की रिएक्शन होगी या नहीं होगी रिएक्शन की अगर संभावना के ऊपर बात करें कि जो आप रिएक्टेंट ले रहे हैं क्या वो रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं यानी रिएक्शन होगी या नहीं होगी इस बात के लिए या कह सकते हैं कि इस इस चीज़ को जो कैलकुलेट करता है या इस चीज़ को जो डिटरमाइन करता है जो ब्रांच वो है थर्मोडायनेमिक्स तो थर्मोडायनेमिक्स को ठेका दे दिया गया है कि थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें जानना चाहेंगे या पता लगाते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि अगर रिएक्शन हो रही है अगर रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी उस रिएक्शन की वेलोसिटी क्या होगी उस रिएक्शन की रेट क्या होगी क्या वो स्लो होगी या फास्ट होगी तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है या इसके लिए जो थ्योरी है वो केमिकल कैनेटिक्स है तो केमिकल कैनेटिक्स के अंतर्गत रासायनिक वल के अंतर्गत हम लोग क्या डील करते हैं हम रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं कि रिएक्शन फास्ट होगी स्लो होगी कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लेगा क्लियर उसको कितना टाइम लगेगा ये सारी चीजें केमिकल कैनेटिक्स के अंतर्गत डील करते हैं और थर्मोडाइनमिक्स के थर्मोडाइनमिक्स किस चीज को डिटरमाइन uh, करती है कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी और नॉन फिजिबिलिटी रिएक्शन होगी या नहीं होगी तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि रिएक्शन किस हद तक एक्सटेंड करेगी क्या पूरा प्रोड पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा बीच में रुक जाएगी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या रिवर्स जाएगी इस चीज़ के लिए जो प्रिंसिपल है या जो थ्योरी है वो केमिकल एक्लुवेरियम केमिकल एक्वेरियम के द्वारा केमिकल एक्वेरियम रिएक्शन के एक्सटेंड होने के बारे में बताएगा यानी केमिकल एक्लुबीरियम से ये हम निर्धारित करेंगे ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि रिएक्शन कितना एक्सटेंड करेगी कहाँ तक जाएगी किस हद तक जाएगी किस लिमिट तक जाएगी ऐसा तो नहीं कि आगे चल के रुक जाए ये सारी बातें तीन अलग अलग हिस्सों में हम लोग क्या पढ़ तीन अलग अलग हिस्सों में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कहानी क्लियर हो गई रिएक्शन होगी या नहीं होगी क्लियर ये थर्मोडाइनमिक्स के अंतर्गत हम इसको डील करेंगे क्लियर रिएक्शन किस हद तक होगी ये केमिकल एक्लोवीर के अंतर्गत डील करेंगे रिएक्शन की स्पीड क्या है क्लियर स्लो है फास्ट है उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है यानी कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा ये सारा हम लोग केमिकल कनेटिक्स में डील करते हैं उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आई होंगी क्लियर एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं अब हमें क्या यहां पर पढ़ना है इन तीनों में यहाँ पे जो पढ़ना है बच्चा वो हमें पढ़ना है केमिकल कैनेटिक्स अब हमारी जो प्योर चर्चा का विषय रहेगा वो हम केमिकल कैनेटिक्स पर ही बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आपके सामने सबसे पहले केमिकल कैनेटिक्स क्या होता है क्लियर तो यहाँ पर मैंने हिंदी इंग्लिश में भी मिक्स करके लिखा है लिखा है कि केमिकल कैनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत केमिकल रिएक्शन की रेट वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन ये तीनों बात एक ही, ही होती हैं मींस का का वेग का वेग ओके तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन की स्पीड और उसको कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं क्लियर यानी ऐसे कौन कौन से लोग हैं लोग तो नहीं कहेंगे ऐसे कौन कौन से इफेक्ट हैं ऐसे कौन कौन से टर्म है या ऐसा क्या रिएक्शन में हम मिला दें या कुछ ऐसा क्या इफ़ेक्ट डाल दें जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाए रिएक्शन स्लो हो जाए क्लियर तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोग यहाँ पे डील करेंगे और उस रिएक्शन की मैकेनिज़्म इन सब का जो ओवरऑल uh, जो अध्ययन होता है वो केमिकल कैनेटिक्स के अंतर्गत आता है सभी लोग दोबारा ध्यान से सुनिएगा केमिकल कैनेटिक्स में हम लोग क्या डील करेंगे कि रिएक्शन की स्पीड क्या है रिएक्शन की स्पीड क्या है क्योंकि एक आपको बता दें केमिकल कैनेटिक्स क्योंकि वर्ड जब कैनेटिक्स लग जाता है तो हमें एकदम फिजिक्स की फीलिंग आ जाती है और आना भी जरूरी है क्योंकि कैनेटिक्स का अर्थ होता है मोशन, मोशन गति लेकिन यहाँ पर क्या फिजिक्स में तो हम पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चला और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा वहां तो हम लोग मोशन पढ़ते हैं क्लियर तो वहां क्या होता है ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको कितना टाइम लगा उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये वो वाला मोशन है यहां पर क्या होगा यहां पर जो भी हम रिएक्टेंट लेंगे वो रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए नहीं हुए क्लियर रिएक्शन तेज़ हो रही है स्लो हो रही है वो सारा हम लोग केमिकल कनेटिक्स में डील करेंगे दूसरी चीज़ इस रिएक्शन को कौन कौन लोग प्रभावित करते हैं क्या ऐसा हो रहा है कि कुछ मैंने ऐसे मिला दिया कि रिएक्शन को बहुत टाइम लग रहा है यानी कि रिएक्टेंट बहुत देर में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं या मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि रिएक्टेंट बहुत तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसके बाद रिएक्शन की क्या मकैनिज्म है क्लियर वो सिंगल स्टेप की है डबल स्टेप की या ट्रिपल स्टेप की है इस सारी चीजें प्यारे बच्चों हम लोग

कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वही रिएक्टेंट क्या होते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं ओके okay? मैंने यहाँ पर एक जर्नल लिखा है एक फॉर्म ए प्लस बी गिब्ज सी प्लस डी आप सभी लोग जानते हैं कि ए प्लस बी जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं ये रिएक्टेंट होते हैं जिसको हिंदी में प्यारे बच्चों क्या कहते हैं अविकारक कहते हैं और जो हमारा राइट साइड होता है प्यारे बच्चों ये हमारा प्रोडक्ट साइड होता है जिसे उत्पाद कहते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि ये जो रिएक्टेंट हैं यही रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे अब हमें यह जानना है कि ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं यह प्रोडक्ट कन्वर्ट होने की जो स्पीड है स्पीड है वो कैसी है स्लो है फास्ट है वो सारा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डील करेंगे तो सिंपली यहां पर हमने एक रिएक्शन देखी कि ये हमारी लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट कहलाते हैं और ये हमारे प्रोडक्ट कहलाते हैं क्लियर अब हुआ क्या कि जब ये हमने लैब में जब अलग अलग टाइप की रिएक्शंस कराई तो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की कुछ चीज़ें मैंने देखी लैब में क्या मैंने देखा कि मेरे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं प्यारे बच्चों जो क्या होता है बहुत तेज होती हैं पलक झपकते कुछ ऐसी रिएक्शन है जो बहुत टाइम जिनमें लगता है पूरा होने में और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक एवरेज रेट से चलती हैं जिनको हम लोग मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं ओके तो यहां पर हमने क्या किया कि जो हमें चीज़ें दिखाई दी जो हमने प्रैक्टिकली लैब में किया तो उसके आधार पर हमने रिएक्शन के तीन यहाँ पर पार्ट किए आपका पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन दूसरा है मॉडरेट रिएक्शन और तीसरा है वेरी स्लो रिएक्शन ओके आइए इनको वन बाय वन पढ़ते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन ये क्या रिएक्शन होती है इसमें आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जो पलक झपकते होती हैं यानी इनमें टाइम बहुत कम लगता है क्लियर तो जो फास्ट रिएक्शन होती हैं ये बहुत कम टाइम में हो जाती हैं बहुत सूक्ष्म टाइम में हो जाती हैं ये जो रिएक्शंस होती हैं ये किस कैटेगरी की होती कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो बहुत तेज होती हैं तो यहां पर आइनिक रिएक्शन क्लियर या एसिड बेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये ऐसा ध्यान रखना जो एसिड बेस है इसी को हम लोग ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा तो आयनिक रिएक्शन या एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है ये कुछ ऐसी होती हैं क्लियर जो बहुत तेज होती हैं और आपको बता दें इनकी स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते इनकी स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत स्मॉल टाइम पर हो जाती हैं तो ध्यान दीजिएगा कि लैब में हमने देखा कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत फास्ट होती हैं जैसे आपने बचपन पढ़ा होगा टेंथ स्टैंडर्ड में न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण क्रिया तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने एच लिया एच लिया जो एसिड है हमने एन लिया जो वेस है क्लियर जब एसिड और वेस आपस में मिलते हैं तो साल्ट लबड़ बनता है तो यहाँ पर एन और एच ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है इसीलिए इसको किस में डाल दिया गया वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में ओके okay? कुछ और एग्जाम्पल है जैसे सिल्वर नाइट्रेट में NaCl तो यहाँ पर AgCl का PPT मिल जाता है बेरियम क्लोराइड में एस्ट्रेसोफोर मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट का PPT मिल जाता है तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत फास्ट होते हैं अब यहाँ पर आ जाता है कि इनको आयनिक रिएक्शन क्यों कहते हैं आयनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ए जी पॉजिटिव को यहाँ पर ले लिया ए जी पॉजिटिव को यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर ए जी पॉजिटिव का अर्थ है कि यहाँ पर ए जी पॉजिटिव एन ओ थ्री निगेटिव एन ए पॉजिटिव सी एल निगेटिव आप सभी लोग जानते हैं कि पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है निगेटिव तो ए जी सी एल अलग हो जाएगा और यहाँ पर एन ओ थ्री निगेटिव एन ए पॉजिटिव तो ये एन ए एन थ्री अलग हो जाएगा क्लियर तो यहाँ पर ये आयन एक्सचेंज भी कहते हैं ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन कहलाती हैं जिसमें आयन क्या करते हैं अदल बदल जाते हैं क्लियर ए जी पॉजिटिव सी एल निगेटिव के साथ चला जाएगा तो कुल मिला के ओवरऑल ये ऐसी विक्रियाँ होती हैं जो बहुत फास्ट होती हैं लिखा इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दीज रिएक्शन इन अवक्रियाओं की रेट मींस स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते कहानी क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया बात आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा अगला है वेरी स्लो रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको कंप्लीट होने में दिन महीने या साल लग जाएंगे क्लियर डिफिकल्ट टू स्टडी द कैनेटिक्स कैनेटिक्स ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन रिएक्शन की कैनेटिक्स uh, मीन्स इनकी स्पीड को इनके बारे में स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है क्लियर बड़ा मुश्किल होता है जैसे आप देख यहाँ पर लिखा है रस्ट ऑन आयरन रस्ट ऑन आयरन लोहे पर जंग लगना आप सभी लोग जानते हैं लोहे पर जंग लगना ये बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शंस होती बहुत धीरे धीरे होती है या कह सकते हैं कि जैसे डायमंड से ग्रेफाइट डायमंड से ग्रेफाइट जो डायमंड से आपका जो ग्रेफाइट में परिवर्तन होता है ये इतना कह सकते हैं स्लो होता है ये परिवर्तन जो है इतना स्लो होता है कि आंख से दिखाई नहीं देता तो हमेशा ये लगता है कि डायमंड डायमंड ही है लेकिन रियल में क्या हो रहा है कि डायमंड से ग्रेफाइट धीरे धीरे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है बदल रहा है तो ये भी कैसी वेरी स्लो रिएक्शन है तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेट इसकी स्पीड को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है आप देख पा रहे होंगे एस टू प्लस ओ टू क्लियर रूम टेम्परेचर पर ये वाटर का ये भी कैसा होता है वेरी स्लो रिएक्शन इसके बाद आता है मॉडरेट रिएक्शन मॉडरेट इसको मंदम क्रिया भी बोलते हैं ये क्या होती ना तो बहुत तेज़ चलेंगी यानी ना तो तेज़ चलती हैं और ना ही बहुत धीमी गति से होती ये कह सकते हैं कि अपना एक एवरेज बना के चलती हैं ठीक ना बहुत तेज़ ना बहुत धीरे इनमें टाइम मिनट या आवर्स लगता है क्लियर जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन पराक्साइड यहां पर आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन पराक्साइड तो ये जो हाइड्रोजन पराक्साइड है इसका भी डिकम्पोजिशन जब ये टूटता है इसका अवघटन होता है तो वाटर ऑक्सीजन देता है तो इसमें भी क्या होता है मिनट या आवर लग जाते हैं क्लियर तो ये आपका किस में चला जाएगा मॉडरेट रिएक्शन में किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों मॉडरेट रिएक्शन में हाइड्रोजन पराक्साइड का ओके okay? इसके बाद नाइट्रोजन पेंटाक्साइड इसका अपघटन होता, इसका होता है इसका डिकम्पोजिशन होता है ये टूटता है N2O4 टू फोर नाइट्रोजन टेट्राक्साइड और ऑक्सीजन में क्लियर ऐसे ही ये आपका ईस्टर है क्लियर इसका भी हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है सोडियम एसिटेट और एथिल एल्कोल ये भी रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें आपके आवर या मिनट में कंप्लीट हो जाती हैं क्योंकि ना तो बहुत फास्ट होती ना ही बहुत स्लो एक मीडियम स्पीड से चलती हैं जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किन सुगर चीनी इसका हम लोग जल अपघटन किया तो क्या मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो यहाँ पर जो आपको रिएक्शन मैं दे रहा हूँ प्यारे बच्चों ये सारी रिएक्शन किस में चली जाएंगी मॉडरेट में चली जाएंगी मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन में जाएंगी क्लियर अगले लेक्चर में हम लोग इनकी रिएक्शन की रेट पर चर्चा करेंगे हाल फिलहाल पहले लेक्चर में, में मेरा केवल और केवल बताने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि आपका जो केमिकल कनेटिक्स है वो बेसिकली क्या है हम केमिकल कैनेटिक्स के अंतर्गत क्या डील करते हैं क्लियर तो मैं दोबारा एक बार पूरा रिकॉल कर देता हूँ पूरा रिकॉल कर देता हूँ कि केमिकल कैनेटिक्स में क्या होता है कैनेटिक्स का अर्थ है मोशन यानी यहाँ पर जो भी हमारा रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है क्लियर जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसकी स्पीड क्या है क्लियर वो कितने टाइम में कितने टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है क्लियर तो रिएक्शन की जब कभी हम लोग स्पीड और उस स्पीड को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं प्रभावित करती हैं रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म है इन सब का जो अध्ययन है वो केमिस्ट्री का एक पार्ट एक ब्रांच है जिसका नाम है केमिकल कैनेटिक्स उसमें किया जाता है एक बात दूसरी इंपॉर्टेंट बात दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिएक्शन की नेचर के आधार पर अब क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर इन्होंने इसके तीन टाइप बनाए पहला कुछ ऐसी रिएक्शंस मिली जो बहुत तेज चलती हैं इसलिए जिनकी स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते उन्हें बोल दिया गया ये बहुत फास्ट रिएक्शन है क्लियर जो रिएक्शन ऐसी हैं जो बहुत धीरे धीरे चल रही हैं उन्हें बोल दिया गया ये बहुत स्लो रिएक्शन है और कुछ ऐसी रिएक्शन है ना तो बहुत तेज़ चल रही ना ही बहुत स्लो चल रही हैं इनको हमने मॉडरेट रिएक्शन बोल दिया गया मध्यम वेग वाली अवक्रियाएँ बोल दिया गया तो इस तरीके से क्या किया कि रिएक्शन की प्रकृति के आधार पर नेचर के आधार पर यहां पर तीन प्रकार तीन भागों में इनको बांट दिया गया अब अगला जो सेकेंड लेक्चर आएगा प्यारे बच्चों उस सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे कि अवक्रिया की स्पीड क्या होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी क्या समीकरण बनेगी क्या ग्राफ बनेगा क्या उसका यूनिट होगा उन सभी बातों की चर्चा सेकेंड लेक्चर में होगी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत